पाइल्स यानी बवासीर का घरेलू इलाज 3 दिन में असर दिखाए। नमस्कार दोस्तों, बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसका शुरुआती लक्षणों में किसी को कुछ पता नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे तकलीफ बढ़ती है, उठते बैठते मल त्यागते समय असहनीय दर्द होता है, और ये ऐसी जगह पर होता है जिसे हम हर किसी को नहीं बता सकते, और बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते कि बवासीर आखिर हो कैसे जाती है। दोस्तों बवासीर का मुख्य कारण है हमारा पेट का खराब होना। कब्ज एक ऐसी समस्या है जिसके कारण बवासीर होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों अगर आपको लंबे समय से कब्ज है और आपको स्टूल पास करने में दिक्कत होती है, आपके स्टूल बहुत हार्ड हैं, जिससे मल त्यागते समय मल द्वार पर जलन होती है, अत्यधिक पीड़ा का अनुभव होता है, मल के साथ साथ खून निकलता है, गुदे के आसपास गांठी और कई बार खुजली और जलन महसूस होती है, तो दोस्तों आपको बवासीर की समस्या है। और ऐसे में दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जो आपको 3 दिन में बवासीर से आराम दिलाएगा, और इसी के साथ साथ आपको कुछ खाने में ऐसे बदलाव करने पड़ेंगे जिससे आपको कब्ज और बवासीर दोनों से राहत मिलेगी, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए ये जानते हैं इस उपाय के बारे में। इस उपाय में दोस्तों जो चीज मैं आपको बताऊंगा आपको वैसे ही लेनी है, और पहली चीज जो आपको यहाँ पर लेनी है एक नारियल। आप इस तरह से नारियल लीजिए और यहाँ पर हम नारियल की जटा का प्रयोग करेंगे, यानी कि ये जो आप नारियल के ऊपर बाल देख रहे हैं जैसे हम नारियल की जटा कहते हैं, आपको वो लेनी है। जिन लोगों को भी दोस्तों खूनी बवासीर है उनके लिए तो नारियल की जटा किसी रामबाण से कम नहीं। यह आपके रक्त स्राव को बंद करती है और रास्ते को बड़ा और सरल बनाती है। आपको दोस्तों क्या करना है कि नारियल की ये जटा जो है आपको उतार लेनी है, और इस तरह से आप एक प्लेट में या किसी भी चीज में इस तरह की नारियल की जटा ले, और इसको जो है हम दोस्तों इसे भून लेंगे, इसे जलाकर इसकी राख बनाएंगे, और आप इस तरह से इसे गैस पर भी इसे जलाकर इसकी राख बना सकते हैं, या माचिस से इसे आग लगाकर इसकी जो है राख बना सकते हैं। जब ये अच्छे से जल जाएगा तब दोस्तों ये आसानी से इस तरह से हम इसे बारीक कर सकते हैं और ये राख हमारी तैयार हो जाएगी। आप दोस्तों चाहे तो इस राख को छान भी सकते हैं। और ये जो उपाय है, इस उपाय को दोस्तों लेने के 2 तरीके हैं, आपको जौन सा बेहतर लगे आप वैसे इसे ले सकते हैं। और पहले उपाय के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर लेना है 1 गिलास पानी। आप 1 गिलास पानी लीजिए और साथ में आपको लेना है ठंडा दही। आप रात भर फ्रिज में रखा हुआ ठंडा ताजा दही लीजिए और उसके जो है हम यहाँ पर 2 चम्मच लेंगे, और चम्मच से इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट तक हिलाएंगे ताकि ये पूरी छाछ बन जाए। आपकी जब ये छाछ तैयार हो जाएगी तब दोस्तों आपको यहाँ पर लेनी है ये नारियल की भस्म जो हमने तैयार की थी। आपको दोस्तों इसका 1/2 चम्मच लेना है। 1/2 चम्मच इसे पानी में डालिए और इसे अच्छे से मिक्स करके आपको इसे पीना है। 1 बार आपको इसे सुबह पीना है और 2 बार शाम को खाना खाने के 1 घंटे के बाद, यानी कि सुबह आपको खाली पेट इसे लेना है और शाम को खाना खाने के 1 घंटे के बाद। इस उपाय से दोस्तों आप देखेंगे कि आपको बवासीर में बहुत तेजी से राहत मिलेगी। और जो लोग भी ये दही यानी कि छाछ के साथ इसे नहीं ले सकते उनके लिए दूसरा तरीका है, उन्हें क्या करना है कि आपको 1/2 चम्मच जो है सबसे पहले ये नारियल की भस्म लेनी है। आप 1/2 चम्मच इसे खाली बाउल में डाल दीजिए और इसमें हम यहाँ पर मिलाएंगे हनी को यानी कि शहद को, और शहद आपको इसमें बहुत ही कम मात्रा में डालना है। आप लगभग 2 से 4 बूंदे शहद की डालिए और इसे डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कीजिए, और मिक्स करने के बाद आपको जो है इसे एक गोली की तरह बना लेना है। आप एक इसकी गोली बनाइए, अगर आपसे गोली बनती है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे वैसे भी ले सकते हैं। और इसका भी प्रयोग दोस्तों आपको वैसे ही करना है, सुबह खाली पेट 1 गोली को पानी के साथ निगल लीजिए और 2 जो है आपको शाम को बनानी है और उसे खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है। और इसे आपको कितने दिन तक लेना है ये जानने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको बवासीर और कब्ज दोनों में राहत दिलाएगी। जब भी दोस्तों आप खाना खाएं, आप अनहेल्दी खाना यानी कि मैदे से बना हुआ खाना और चटपटी और मसाले वाली चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये कब्ज में भी समस्या खड़ी करती है और बवासीर में भी बहुत तकलीफ पहुंचाती है। आपको जितना हो सके फाइबर युक्त खाना खाना है, यानी कि जितना सलाद आप खा सके, जितनी हरी सब्जियां खा सके और खाने में फ्रूट्स का सेवन करें तो आपको बहुत फायदा होगा, जो आसानी से पचेगा और मल द्वार से बाहर जाते समय भी ज्यादा परेशानी नहीं करेगा। और दिन भर जितना हो सके आप उतना पानी पीजिए। इस उपाय का प्रयोग आपको दोस्तों सुबह शाम दिन में 2 बार करना है और आप इसे 2 दिन तक लीजिए। 2 दिन तक लेने से आपको दोस्तों देखेंगे कि बवासीर में राहत मिलेगी और मल द्वार पर जलन, तेज दर्द होना और रक्त का बहना बंद होगा। और 2 दिन तक के इस्तेमाल के बाद आप इसे 4 से 5 दिन तक छोड़ दीजिए और फिर चाहे तो आप इसे दोबारा भी ले सकते हैं। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलते रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।